सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि आप लोग अपने HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का पिन किस तरीके से बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आपका नया नया क्रेडिट कार्ड आया हुआ है उसका आप लोग पिन जनरेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से पिन को बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देख लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है माई कार्ड। उसके बाद सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर माई कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं माई कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा जो भी आपका क्रेडिट कार्ड में लिंक है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे गेट OTP वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको डाल लेना है। सिंपल सा यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों, जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, 3 क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर मेरा 3 क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं मनी बैक प्लस रुपए क्रेडिट कार्ड, इसका हमें पिन बनाना है। नया नया क्रेडिट कार्ड आया हुआ है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का अब लेवल लिमिट होगा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड का पिन सेट करने के लिए देख सकते हैं सेट पिन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पिन सेट करने के लिए आ जाएगा और आपका जो भी नाम रहेगा देखने को मिल जाएगा, आपका लास्ट का क्रेडिट कार्ड का नंबर देखने को मिल जाता है। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं 4 अंकों का पिन सेट करने के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपने मन पसंद का 4 अंक का पिन सेट कर लेना है। उसके बाद नीचे री इंटर न्यू पिन है तो उसमें भी उसी पिन को डालेंगे। उसके बाद दोस्तों, नीचे देख सकते हैं एक्सपायरी डेट आ जाएगा, तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी डेट यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं CVV नंबर है तो CVV नंबर यहाँ पे डालेंगे, आपको क्रेडिट कार्ड के बैक साइड में मिल जाएगा। यहाँ पर सभी डिटेल्स डालने के बाद नीचे देखेंगे एक छोटा सा बॉक्स है, इसके ऊपर टिक मार्क लगाएंगे और सिंपल सा कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा दोबारा से, तो यहाँ पे OTP डालेंगे और सिंपल सा सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, जैसे यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो क्रेडिट कार्ड है इसका पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों, आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, आपने जो पिन बनाया है उसको डाल के कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस, कुछ इस तरीके से HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का पिन सेट किया जाता है। आशा है कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।